स्केल एक तो 22 के मुलाजमीन और अफसरान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इंसेंटिव अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है। वो नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आइए डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली एम्प्लॉयज़ न्यूज़। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्केल एक तक 22 के मुलाजमीन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं डिटेल की जानब। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट 5 अक्टूबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्केल एक से लेकर 22 तक के मुलाजमीन और अफसरान को इंसेंटिव अलाउंस देने के हवाले से रेट जो है वो रिवाइज़ कर दिए गए हैं और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं और कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उनको ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया है। उसकी स्केल वाइज डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस स्केल को कितना इंसेंटिव अलाउंस दिया जाएगा। स्केल 22 के अफसरान का इंसेंटिव अलाउंस 3.5 लाख से 4 लाख रुपए, स्केल 21 का 3 लाख से 3.5 लाख रुपए, स्केल 20 वाले को मिलेंगे 2.5 लाख से 3 लाख रुपए, स्केल 19 वाले को मिलेंगे 2 लाख से 2.75 लाख रुपए, स्केल 18 वाले को मिलेंगे 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए, स्केल 17 वाले को 1 लाख से 1.75 लाख माहाना इंसेंटिव अलाउंस मिलेगा, स्केल 16 वाले को 75,000 से 1.5 लाख रुपए, स्केल 11 से लेकर 15 तक को 60,000 रुपए माहाना इंसेंटिव अलाउंस, स्केल 5 से 10 वाले को 50,000 और इसी तरह नीचे भी जो है वो माहाना इंसेंटिव अलाउंस दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 से इसका इतलाक़ कर दिया गया है। ये उन सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा जो कि रेगुलर बेसिस पर हैं और लेकिन प्रोजेक्ट और या प्रोग्राम वगैरह में काम कर रहे हैं, उनके हवाले से स्केल इनको रिवाइज़ किया गया है इंसेंटिव अलाउंस को। और इस हवाले से अकाउंटेंट जनरल पंजाब, तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स और तमाम जो अफसरान हैं उनको ये लेटर जो है वो मरासला फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की तरफ से जारी कर दिया गया है। 1 से 22 तक के मुलाजमीन जो कि प्रोजेक्ट या प्रोग्राम वगैरह में या पॉलिसी यूनिट्स वगैरह में काम कर रहे हैं लेकिन वो हैं रेगुलर बुनियादों पर काम वो जो है इनमें कर रहे हैं, तो उनको ये खुशखबरी सुना दी गई है।